नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। रानू के गाने पर पहली बार लता मंगेशकर का रिएक्शन आया है। रानू के गाने पर लता का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी की नकल करके आप लंबे समय तक सफल नहीं रह सकते हैं। इतने दिनों से रानू मर्डर को लेकर किसी भी बड़े सिंगर का कोई भी बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब अचानक से लता का गुस्सा फूट पड़ा है। बंगाल के एक स्टेशन पर गाना गाती हुई रानू मंडल नाम की एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था। रानू ने लता मंगेशकर का एक गाना गाया था। ये गाना गाकर रानू रातों रात फेमस हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर वो चर्चा में बनी हुई थी। इस बार रानू के गाने पर पहली बार लता मंगेशकर का रिएक्शन आया है। रानू के गाने पर लता का गुस्सा अब फूटा है। लता मंगेशकर ने इस पर कहा कि अगर मेरे नाम और काम से किसी का भला होता है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। हालांकि इसके साथ उन्होंने एक और बड़ी बात भी कह डाली है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी की नकल करके आप लंबे समय तक सफल नहीं रह सकते हैं। किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और मुकेश के गाने गाकर किसी को कुछ दिनों के लिए अटेंशन मिल जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। आपको बता दें, कुछ समय पहले रानू मंडल की आवाज़ जब पहली बार लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए सुनी तो हर कोई उनका कायल हो गया था, और इसको लेकर अभी तक लता मंगेशकर या किसी भी बड़े सिंगर की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया था। लेकिन अब लता मंगेशकर ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि किसी की नकल करके आप लंबे समय तक सफल नहीं रह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि लता अपनी जगह किसी और को नहीं देखना चाहती है? सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।